हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हेल्दी हेल्थ फॉर एवर चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऐसा एक उपाय या होम रेमेडी जो जोड़ों के दर्द के लिए या किसी भी तरह के जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही लाजवाब होने वाली है और ये इसी पर्पज से बनाया गया है। इस रेमेडी में हम यूज करेंगे दो दवाइयाँ, जिसमें से पहली दवाई है आक, जिसको मदार, अकौवा या कैलोट्रॉपिस के नाम से जानते हैं। और ये जो दवाई है, जो कौवा है या आंख है, ये बहुत ही प्राचीन जमाने से आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों जैसे बॉडी एक, स्नेक बाइट, इवन और भी बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता रहा है। और जो दूसरी दवाई होगी दोस्तों, वो होगी हमारी अलसी, अलसी का तेल। इन दो दवाइयों से हम बनाएंगे बेहतरीन दर्द निवारक ऑयल, जिसके लाजवाब रिजल्ट हैं। अब क्योंकि इसमें हम आंख का पौधा या कौवा यूज करने वाले हैं, कौन सा पार्ट उसका यूज करेंगे वो आप आगे जानेंगे, लेकिन मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो आग का पेड़ है या मदार का पेड़ है, प्लांट है, वो दिखता कैसे है, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये आग का और मदार का पेड़ दिखता कैसा है। आप जैसे देख रहे हैं, ये करीब 2 से 2.5 मीटर ऊंचा इसका प्लांट हो जाता है। इसके चौड़े चौड़े ये पान के जैसे पत्ते होते हैं, लेकिन ये थोड़े मोटे होते हैं। पान का पत्ता थोड़ा पतला और ज्यादा ग्रीन कलर का होता है, ये व्हाइटिश लुक के होते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, ये शानदार अनोखे रंग के सफेद फूल जो आग के फूल हैं, एक्चुअल में इन्हीं को हमें यूज करना है। ये फ्लावर्स जो हैं वो हल्के पर्पल कलर के भी हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस में ये सफेद कलर के होते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आपको जो भी फ्लावर्स मिलते हैं आप वो ले लीजिएगा, दोनों का बराबर रिजल्ट है और दोनों को ही इस दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। आपको सावधानी ये बरतनी है कि इसको आप अच्छे से तोड़ लीजिए इन फ्लावर्स को। करीब लगभग इतने फ्लावर्स आपके पास इकट्ठे हो जाने चाहिए। एक बार जब फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं तो इनको कम से कम 3 से 4 दिन आपको किसी ऐसी फैली हुई तश्तरी में, प्लेट में आप रख लीजिएगा, छांव में आपको इनको सुखाना पड़ेगा। 3 से 4 दिन बाद जब फ्लावर्स आपके सूख जाते हैं, इनकी नमी निकल जाती है, तो अब ये दवा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही आपको लेना पड़ेगा करीब 1/2 कप अलसी का तेल। अलसी का तेल भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको अलसी का तेल नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर क्वांटिटी में 50 ml तक आप ये तेल ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाता है, लगभग बराबर ही फायदे आपको मिलेंगे। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके रेडी हैं, तो आइए जान लेते हैं कि अब इसको बनाया कैसे जाए। आपको सबसे पहले क्या करना, एक बर्तन को आपको धीमी आंच पे चढ़ा देना है। ध्यान रखें कि इस बर्तन के अंदर कोई पानी की कोई आध बूंद ना रह जाए। और फिर उसके बाद जब ये सूख जाता है तो इसके अंदर आपको ये अलसी का तेल, 1/2 कप अलसी का तेल मिला देना है। धीरे धीरे इसको आप गर्म होने देंगे, इसमें कुछ थोड़े बहुत झाग आ सकते हैं। जब ये झाग हट जाए, यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तब आप इसमें ये जो भी आपके कौवे के मदार की ये फ्लावर्स हैं, सूखे फ्लावर्स हैं, आप इसको इसमें डाल देंगे। जब ये डालेंगे, धीरे धीरे ये देखेंगे आपका कलर चेंज करना शुरू कर देंगे। इनका कलर अब ये वाइट से ब्राउनिश होने लगेगा और फिर धीरे धीरे आप जब देखेंगे तो इनका कलर अब ब्राउन से ब्लैक होने लगेगा और एक स्टेज आएगी ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, जैसे कि ये जल गए हो। अब आपको क्या करना है, अब आंच को आप धीमा कर देंगे। इस तेल को ऐसी थोड़ी देर, करीब घंटा भर रखा रहने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको छान लीजिए। छानने के लिए आप इसको किसी शीशे के बर्तन में या कांच के बर्तन में, कप में, बोतल में आप निकाल के बंद करके रख लें और आपका ये बेहतरीन आयुर्वेदिक दर्द निवारक तेल जो है वो रेडी है। अब इसको यूज कैसे करना है, देखिए, यूज करने के लिए जो भी आपका दर्द है, कोहनी का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, आपको कुछ चोट का दर्द है, जिस जगह पे भी आपको ये पेन होता है, थोड़ा सा आप तेल लेंगे हथेली पे इस तरीके से और उसको उस जगह आप ऐसे करके मालिश करेंगे। आप कम से कम 2 से 3 मिनट हल्की हल्की मालिश करें और फिर इसको आप छोड़ दें। आप देखेंगे जैसे इसको आप हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करते हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं, यहाँ तक कि मैंने घुटनों के दर्द में भी मरीजों को इससे फायदा आते हुए देखा है, अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा कार्टिलेज डैमेज किसी का ना हुआ। तो आप इस्तेमाल करें, इससे फायदा उठाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे आपको कैसे रिजल्ट मिले। अगर वाकई आपको इससे फायदा मिले, रिजल्ट्स आपको मिले, तो देखिए फीडबैक जरूर दे देना। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पे मिलते रहे। धन्यवाद।